देखिए प्रार्थना पत्र देकर के ऐसा प्रार्थना पत्र देकर के एसआई द्वारा 3 सप्ताह का समय की मांग की गई थी, जिस पर कल उन पर आपत्ति आहूत करके आज के लिए रख दिया गया। कल कंडोलेंस भी था। आज सुनवाई जो प्रारंभित एसआई के प्रार्थना पत्र पर एसआई के अधिवक्ता द्वारा बल दिया गया और अंजुमन इंतजामिया द्वारा विरोध किया गया कि लगातार समय ले रहे हैं और एक इनके समय लेने कोई सीमा नहीं है। इस पर न्यायालय का भी रुख खड़ा रहा। इन्होंने कहा कि आप अंडरटेकिंग दो या तो आपकी कोई सीमा होनी चाहिए। तो उनके अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि ये जाँच वैज्ञानिक विधि से भी हो रही है और कई विधियों से हो रही है, कई जगहों से हो रही है, इसलिए अंडरटेकिंग अधिवक्ता द्वारा देना संभव नहीं है। एसआई को प्रेजेंट करने के लिए एक मयंक जी उपस्थित थे वहां पर, उनसे भी कहा गया तो उन्होंने भी कहा कि रिपोर्ट तैयार हो गया है और रिपोर्ट में कुछ कलेक्शन की जा रही है, कुछ रिपोर्ट बाहर से आना है। जो लाइब्रेटरी वगैरह कहाँ कहाँ से बता रहे थे, कई तरह का उन्होंने बताया कि हाँ जाँच हो रहे हैं और जो सबूत पाए गए हैं उनको एक एक बिंदुओं पर जाँच हो रही है। सामाजिक समय जनून मांगी जा रही है और माननीय न्यायालय द्वारा डायरेक्टर आलोक त्रिपाठी के बारे में भी पूछा गया कि वो कहाँ हैं, तो बताया गया वो दिल्ली में हैं, इसलिए कल ऑर्डर में फाइल रख लिया गया कि वो देख के ऑर्डर करेंगे, समय दिया जाने दिया। देखिए कोर्ट फटकार अधिवक्ता पर क्यों लगाया, जब अधिवक्ता बोल दिए कि समय की मांग ऊपर से कहा जा रहा है तो मैं मांग रहा हूँ, रिपोर्ट पढ़ी जा रही है, प्रत्याहार की जा रही है। हाँ इतना जरूर मान के चलिए कि न्यायालय नाराजगी जताई है और उन्होंने अंडरटेकिंग जब मांग किया तो नाराजगी ही कही जाएगी और जब उनके एसआई को प्रतिनिधि करने वालों को तलब कर लिया गया तो नाराजगी की श्रेणी में ही आती है। ब्यास जी वाले बाल में समय के अभाव में जो विजय शंकर रस्तोगी जी ने प्रतिवादी बनने के लिए अंजुमन इंतजामिया के साथ और काशी प्रसाद ट्रस्ट के साथ प्रार्थना पत्र दिया है, उस पर उनका पाठ बहस पहले हो चुका था। आज समय अभाव में जज साहब ने कल 3:30 बजे के लिए रख दिया है और कहा है कल निश्चित मैं सुनूंगा इसको। नहीं सुनवाई नहीं होगी क्योंकि वहाँ बाधी की ओर से कोई उसका विरोध नहीं किया गया, अंजुमन इंतजामिया की तरफ से विरोध थी। अब कल ऑर्डर फाइल चली गई, ऑर्डर करेंगे क्या करते हैं, समय देते हैं या एसआई को तलब करते हैं या अंडरटेकिंग मांग करते हैं या अपना कल सुनिश्चित करेंगे, कल निश्चित। जनपद न्यायाधीश मुस्लिम पक्ष के विरोध के बाद भी 10 दिन का और समय रिपोर्ट सबमिट करने के लिए दिए हैं और इस विषय पर हिदायत भी दी गई है कि एएसआई आप शीघ्र से शीघ्र रिपोर्ट को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें और इस मामले में और भी जो तहखाने का केस है उस पर भी सुनवाई आरम्भ है। क्या कोर्ट ने कुछ निर्देश दिया है कि इसके बाद हम समय सीमा नहीं बढ़ाएंगे? नहीं, ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया। वो कल ही उन्होंने जिला जज साहब ने बोल दिया था कि आप शीघ्र इसको भेजिए। ब्यास जी के मामले में जो उसमें ब्यास जी के मामले में अभी सुनवाई लंबित है और उस पर कोई निर्णय आएगा तभी हम बता सकते हैं। जनपद न्यायाधीश मुस्लिम पक्ष के विरोध के बाद भी 10 दिन का और समय रिपोर्ट सबमिट करने के लिए दिए हैं और इस विषय पर हिदायत भी दी गई है कि एएसआई आप शीघ्र से शीघ्र रिपोर्ट को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें और इस मामले में और भी जो तहखाने का केस है उस पर भी सुनवाई आरंभ है। क्या कोर्ट ने कुछ निर्देश दिया है कि इसके बाद हम समय सीमा नहीं बढ़ाएंगे? नहीं, ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया। वो कल ही उन्होंने जिला जज साहब ने बोल दिया था कि आप शीघ्र इसको भेजिए। ब्यास जी के मामले में जो ब्यास जी के मामले में अभी सुनवाई लंबित है और उस पर कोई निर्णय आएगा तभी हम बता सकते हैं।